आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने हॉस्पिटल में गया, जांच करवाया, उसमें बताया कि फ्लूड है लंग्स में। बहुत ज्यादा डाउन थे, बहुत ज्यादा डाउन थी, पूछो तो ऐसा लगने लगा था कि आपको जय श्री राम। दिमाग ऐसा था कि अलग पड़े रहो कहीं भी, कोना किसी के बात नहीं करने, घर का कोना कोई भी अंदर मत आओ, बस अब दिन गिन रहे हैं, अपना कमरे में पड़े रहते थे, चुपचाप किसी से बात नहीं करना। हफ्ते में एक लगती थी, हर हफ्ते लगती थी, हाँ कुछ आराम मिलता था, आराम क्या, लास्ट में तो बिल्कुल पैर टूटने लगे थे, पहले सो नहीं पाते थे, रात को बेचैनी सी रहती थी, बेचैनी रहती थी, हाँ। ये भी 8-10 दिन बाद मैं सोने लगा, 4-5 दिन बाद सोने लगा था। नीचे ऊपर चढ़ के आने का तो मतलब ही नहीं था, है ना, पकड़ गया जब अभी पार्क में करीब 2-3 किलोमीटर राउंड लगाता हूँ। नाखून बता रहे थे आपके, नीले पड़ गए थे, अब देखो एकदम क्लियर, बिल्कुल चमक है। जिस दिन से आप कह रहे दवाई चली उस दिन का पेन किलर बंद हो गया, बिल्कुल उस दिन एक पत्ता लाया था कभी कभी लिए, वो पत्ता फेंक ही दिया। अपना नाम बताओ, क्या? रामजीत सिंह। क्या बात है, आज आवाज है कड़क आवाज, ठीक है, पेशेंट आप ही हो? हाँ जी, ठीक। और अकेले आयो? अकेले आया हूँ। और जो फर्स्ट टाइम आए थे तब? भतीजे को लाया था साथ। भतीजे को क्यों लाए थे साथ? जब मेरे को कमजोरी थी, चला नहीं जा रहा था, सांस फूलता था, है ना, इनका केस था, इन्होंने 12 किलो लगवा रखे थे। इस वीडियो को देखने के बाद लोग आपसे मिलने भी जाएं? दिल्ली निहाल विहार रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ पर? निहाल विहार, नांगलोई। नांगलोई, हाँ। नांगलोई में प्रॉपर कहाँ पर? निहाल विहार। निहाल विहार, समझ गए आप लोग? नहीं, RZS 185 निहाल विहार। RZS 185, हाँ ठीक है। अब ये पूरा प्रॉपर एड्रेस आपके पास जा चुका है, सच है क्या झूठ है इनसे मिलो। आपकी रिपोर्ट तो रखिए ना, रखिए, उसको मत फेंक देना, ये तो बोलेंगे कि आपका वीडियो गलत बना है, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो मेरे जितने भी पेशेंट की वीडियो है सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स को रखना, ठीक है। कल का मुझे नहीं पता, आपका भी आज तक की जिम्मेवारी का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इस पेशेंट की अभी क्या रिकवरी है। 12 किलो लगा था, लगा था, है ना। शुरू में क्या दिक्कत हुई थी आपको, क्यों जाना पड़ा था हॉस्पिटल, वहां से चलते हैं? साइड में पानी आया था। पानी आया, कैसे पता चला पानी आया? ऐसा मेरे को सांस लेने में दिक्कत थी। हाँ ये बात है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने हॉस्पिटल गया, जांच करवाया, उसमें बताया कि फ्लूड है लंग्स में, ठीक है। फिर आपको वहाँ पानी निकाला होगा? पानी निकाला, उसके बाद फिर कम से कम कुछ दवाई दी उनने, दवाई देने के बाद 20-21 दिन बाद फिर सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर गया मैं, तो फिर निकाला उन्होंने पानी, फिर निकाला, दो बार पानी निकाला, उसके बाद फिर दवाई दी, उससे आराम मिला? कुछ नहीं आराम मिला। किसी ने बताया डॉक्टर दूसरे गया हुआ, कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ भाई, इनसे आराम नहीं मिल रहा, कोई भी चाहेगा, आराम नहीं मिला तो दूसरे के पास गया। मैंने लिख के दिया था, बोले यार और कहीं दिखा लो, जांच करा लो कोई अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। पहले वो एक MRI निकलवाया था, कोई जांच हुई ना, उसमें क्लियर आया होगा, देखो क्योंकि उसमें MRI के अंदर आपको बताया होगा, उसको देखते हुए डॉक्टर ने आपको, फिर वो फिल्म देखी, उसमें तो ज्यादा, उस रिपोर्ट्स को मैच करते हुए आपको फिर पहली लगी, उसके बाद हफ्ते में एक लगती थी, हर हफ्ते लगती थी, हाँ। कुछ आराम मिलता था? आराम क्या, लास्ट में तो बिल्कुल पैर टूटने लगे थे, उसके बाद आपका पैर खड़ा होना बंद हो गया, पैर में इतनी दिक्कत होगी, मैंने कहा तो हो जाएगा बिकने से, आपको बिकने से पहले तो नहीं थे, बोलो नहीं, हम आए थे जब तो वीकनेस नहीं थी, तो बोला वीकनेस है, हो जाएगी, सही हो जाएगी। मैंने कही कोई बात नहीं, फिर मैं गया ही नहीं। 12 किलो लगने के बाद आपकी हालत क्या थी, वो भी बताओ ना सर। हालत बहुत ज्यादा डाउन थी, बहुत ज्यादा डाउन थी, पूछो तो ऐसा लगने लगा था कि आपको जय श्री राम। समझ गए जी, हम तो दो जगह बोलते हैं, तो युद्ध करने जाते तब, और लास्ट में जब दुनिया छोड़ते तब भी जय श्री राम ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी याद कैसे आ गई सर? मैं एक दिन ऐसे लेट देख रहा था, मरने से पहले कुछ वीडियो देख के चले जाए, देखा तो मैंने कुछ अच्छा लगा, तो आपका मन क्या होगा, चलो एक और, यही महेंद्रगढ़ का एक और था हॉस्पिटल, उसका भी देखा था, ठीक है। उधर क्यों नहीं गए फिर? नहीं गए, मेरी इच्छा थी यहाँ आने की, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर एक हर पेशेंट के साथ साथ रोज एक नया ही आपको वीडियो मिल रहा है, मैंने इसलिए बनाया कि मैं एक सच लोगों को बता सकूं, और मेरे पास तो आपको जो बीमारी थी उसकी दवाई भी नहीं है, ये बात मैंने बताया था आपको,
फिर ठीक तो हूँ। ये सच्चाई है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ हर वीडियो में, किसी भी बीमारी के लिए आप लोग मेरे पास आओगे आपको वापस कर दूंगा। मेरे पास किसी बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है। मैं शरीर को ठीक करने के लिए आपको जो मैं दे रहा हूँ वो शरीर का भोजन यानी शरीर को ठीक करता हूँ, और शरीर ही आपकी बीमारी को ठीक करता है। किसी भी मेडिसिन को लेकर औषधि को लेकर मैं आपके सामने कोई बात नहीं कर रहा। मेरे पास तो बाल झड़ने तक की प्रॉब्लम की दवाई नहीं है, ठीक है। सिर का दर्द हुआ, बाल झड़ना, बाल ये बिल्कुल सफेद हो गए थे मेरे। अच्छा, अब आप तो ठीक है, जो जैनमन है, और अब नीचे से काले आने लगे। हाँ, ये भी सफेद हो गए थे बिल्कुल, अब ये काले काले बने। मैं एक बात बताता हूँ, जो भी इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई थी इनकी, इसकी वजह से भी आपको बाल झड़े। अच्छा, सब अब उसके बाद आपके बाल भी आ गए। ऐसे 80 साल के बुढ़े के हो जाते वैसे हो गए थे, अब तो 40 साल वाला केस आ गया। अब 40 साल वाले बाल आ गए, झड़ जाते। लेकिन इनके बाल बता रहे थे से पहले इनके जो बाल थे ना वो बिल्कुल व्हाइट थे, जैसे 80 साल के बुजुर्ग का होता है। आज वो भी इनका ऐसा हो रहा है जैसे 40 साल के। जो पेशेंट मेरे पास रोता हुआ आया था, कैसी हालत थी आपकी? हालत बहुत बुरी थी। हालत बहुत बुरी थी, नीचे ऊपर चढ़ के आने का तो मतलब ही नहीं था, है ना? पकड़ पकड़ के लगाया था, पकड़ पकड़। जब पार्क में करीब 2-3 किलोमीटर राउंड लगाता हूँ। अब बताओ, आज भी पार्क में सुबह 2 किलोमीटर राउंड, कम से कम 3-4 राउंड होते हैं, तो 1.25 किलोमीटर का एक राउंड है। ये तो बात आपको मुझे लगता है झूठ बोल रहे हो। क्या राउंड वाली बात? नहीं, चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं भी 2 किलोमीटर के राउंड नहीं लगा पाऊंगा जी। मैं ये बात बता रहा हूँ, लगा पाओगे क्या? ना जी, 2 किलोमीटर नाम सुनते साथ तो मैं रुक जाऊंगा। बहुत चलूंगा धीरे धीरे। हाँ, मैं 2 किलोमीटर से नहीं 2.5 किलोमीटर चलूंगा अभी। ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे पेशेंट के साथ जो भी इनकी हालत थी ना, उस बात को लेकर आज इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और देखो, मैं आपको बताता हूँ इनकी हालत क्या थी। जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया था 12 कीमो लगने के बाद इनका चेहरा पूरा स्वेलिंग बता रहे थे। हाँ, चेहरे पर सूजन थी, चेहरे पर सूजन थी इनकी। कितने दिनों सूजन खत्म हुई थी आपकी? हो गई 8-10 दिन में। मेरी दवाई देते हो कितने दिन हो गए आपको? चौथी बार यानी आप 3 महीने के करीब हो गए। हाँ, है ना, ठीक है जी। 1 सितंबर 2024 को आए थे। हाँ, ठीक है जी। और इन्होंने मुझे जो भी चीज़ बताई थी, जैसे बताया था पहले सो नहीं पाते थे, रात को बेचैनी सी रहती थी, बेचैनी रहती थी। हाँ, ये भी 8-10 दिन बाद मैं सोने लगा, 4-5 दिन बाद सोने लगा था। 4-5 दिन में ही इनको आराम मिलने लगा था, सोने वाली यानी बेचैनी इतनी थी। जैसे ना आपको पता, जब ये थेरेपी चढ़ा, दिमाग ऐसा था कि अलग पड़े रहो कहीं भी, कोना किसी के बात नहीं करने, घर का कोना कोई भी अंदर मत आओ, बस अब दिन गिन रहे हैं। अपना कमरे में पड़े रहते थे, चुपचाप किसी से बात नहीं करना नहीं। सांस फूलता था आपका, सांस फूलता था। अब नहीं, कम है, अब कम है। सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं बता रहे, आराम से चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आवाज में भी आपका दम है पहले बिल्कुल भरा हुआ था, भरी भरी आवाज आती थी, यानी कफ, लंग्स में कफ था, कफ की वजह से इनका प्रॉब्लम था। कफ अब बिल्कुल ठीक आपका? नहीं, कफ है अभी, कफ है, हाँ है। पहले जितना ही है? नहीं, कम है। चेहरे पर चमक बता रहे हैं, बहुत तो सबको सामने दिखाई दे रही है। पहले कैसा था? पहले सूजन थी, अब सूजन भी ठीक है। हाँ, 3-3 दिन में इनका पेट साफ होता था, यानी लैट्रिन जो जाते थे, भोगने लगती थी, खाएंगे क्या? खाएंगे, लैट्रिन नहीं जाएंगे, खाएंगे नहीं तो निकलेगा क्या? हाँ, ठीक है। तो भूख लगना स्टार्ट हुआ, भूख लगना। कितने दिन में खाने लगे थे सर? अब मेरी दवाई चलने के बाद, आपकी दवाई चलने में करीब 1 हफ्ते बाद कुछ इच्छा होना स्टार्ट हो गई। हाँ, अब कितनी रोटी खा लेते हो आप? अब तो 2 रोटी खाता हूँ, ठीक है रोटी, बढ़िया। कौन सी रोटी? जो चने की रोटी और बाजरे की भी, मोटी बनती है, सुबह 2 शाम को 2 हमारी खुराक है। और अगर ये बाजरे की या जो चने की रोटी मिलेगी तो 1 ही चलेगी, इतनी मोटी रोटी होती है। तो आप 2 खा लेते? 2 खाता हूँ, मेरे से तो ज़्यादा खुराक आपकी, ठीक है। और नाखून बता रहे थे आपके नीले पड़ गए थे, आप देखो एकदम क्लियर है, बिल्कुल चमक है। शरीर नीला कब पड़ता है? या तो विष, या तो जहर दे दिया गया हो, या करंट लग गया हो, पॉइजन हो गया हो, दे दिया गया हो, ठीक है। तो आज ये से नाना शुरू करा था, तो फिर ये साफ है बिल्कुल। एक बार जोर से बोलो, सुना नहीं किसी ने। नहाने के बाद बिल्कुल नाखून सही हो गए थे। अब आए समझ में? कोई साबुन का नाम नहीं लिया उन्होंने? अब यहाँ आया हूँ तो मुल्तानी मिट्टी से नहाता हूँ। यानी अब साबुन दिया जाए तो आप लेंगे क्या? शैम्पू दो तो? नहीं, ना कोई शैम्पू ना कोई साबुन। इन्होंने बोला या तो मुल्तानी मिट्टी या फिर का विज्ञान। मुल्तानी मिट्टी उसमें डालता हूँ, उसमें कटोरी में पानी डाल के फुला के सुबह, पहले यही था ना जी,
मुल्तानी मिट्टी, रीठा, आंवला, सीका काई, ये पुराना सिस्टम, ये चला अब शैम्पू साबुन। तो पहले देखा रहा पद्मावती के बाल कितने लंबे लंबे थे, अब आप ही से पूछा जाए कौन सा शैम्पू लगाती थी। पुराने विज्ञान की तरफ ही मैं लोगों को घुमा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बेचने का भी काम नहीं कर रहा, किसी तरह से भ्रम में नहीं डाल रहा। पेशेंट के साथ रिकवरी वीडियो जो बना रहा हूँ, इसकी रिकवरी आज ऐसी है कि आज पेशेंट बोलता है कि मुझे पेशेंट नहीं बोल सकते आप लोग। नहीं, कौन कहेगा? बताओ, अभी आप बोल रहे थे ना कि आप ही पेशेंट हो क्या? तो आज ये हालत है जी, पेशेंट की हालत ऐसी थी कि टाइम नहीं था, मैंने कि जाना था, मेरे को जाना है अकेला। आप किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अकेला सफर। और बगल में दर्द होता था, किधर? ये साइड होता था, इस साइड दर्द, जहाँ से पानी निकाला नीचे होता था, नीचे उससे यहाँ से। अब होता है क्या? नहीं। दर्द कितने दिन में ठीक हुआ था आपका? दर्द की तो मैंने उस दिन से पेन किलर लिया ही नहीं है। पेन किलर कितना लेते थे आप? पहले तो जैसे दर्द होता था तो एक लेते थे। एक लेते थे, हाँ। और जिस दिन से आप कह रहे दवाई चली उस दिन का पेन किलर बंद हो गया? बिल्कुल, उस दिन एक पत्ता लाया था, कभी कभी लिए, वो पत्ता ही फेंक दिया। फेंक ही दिया, अब दवाई को देखना भी नहीं है, फेंक दिया। ठीक है, चलो रख तो लेते किसी और को देने के लिए। अरे नहीं, ऐसा चीज रखना ही नहीं, किसी और को क्यों देना, ठीक है। पेट साफ अच्छी तरह से होने लगा इनका, पेट सुबह 5 बजे जाता हूँ सवेरे। खांसी में भी आपको कहते हैं आराम है? हाँ, है ना। देखो लंग्स का केस होता है तो उसमें खांसी भी है, वो आराम है। मेरे को पता, मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तो खांसी रात रात भर खांसी आती थी, नींद भी नहीं आता था। जिस बीमारी को लेकर मेरे पास ही आए थे उसकी मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मैं किसी तरह से कोई दावा नहीं करता कि अगर आप लोग बोले कि पेशेंट को ठीक है तो हम भी हो जाएंगे, नहीं, कोई दावा नहीं। पेशेंट की मेरे डेथ भी होती है क्योंकि मैं पेशेंट लेता ही ऐसे हूँ। आपकी कंडीशन ऐसी थी ना सर? आपकी कंडीशन खराब थी, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही लेता हूँ। क्या मैंने आपकी कोई गारंटी ली थी कि मैं आपको ठीक कर दूंगा? नहीं, 20 दिन में ठीक कर दूंगा ऐसा लिया था? नहीं, कहा था 20 दिन में अगर आपको आराम मिलता है तो आप दवाई ले जाना। हाँ। अगर मेरे आपको 20 दिन में कोई भी आराम नहीं मिलता तो आप आना भी मत, यही बोला था ना। हाँ। इनको आराम मिला तो ये दवाई रिपीट किए। आज इनकी वीडियो इसलिए बनाई कि आज इनको ऐसा लगा कि भाई अब लोगों को बताना चाहिए। हाँ। कि मेरे जैसे अगर कोई पेशेंट है तो आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में एक अविश्वास बनता है कि क्यों जाते हो, क्या मिलना है इनके पास। तो हमारे पास तो लास्ट तो आ ही सकते हैं ना जी, जब डॉक्टर मना करे तो, फिर तो कोई मना नहीं करेगा ना। हमने उसी पेशेंट को लिया, उसमें यार डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा चढ़वाते थे, जय श्री राम होती, जय श्री राम होती और चढ़ाते तो। हाँ। आपको पता चल चुका था। हाँ। क्योंकि जिस चीज को लेते लेते इनकी पूरी हालत बिगड़ती जा रही थी, इनको लगा कि आप तो बॉर्डर लाइन पर आ गए, इसके बाद तो लगा लो कि छलांग लगाने वाली बात। हाँ। और अब उसके बाद हमने यू टर्न लिया वापिस, अब जीवन की तरफ चल रहे हैं। हाँ। आयुर्वेद के प्रति आपको विश्वास तो नहीं होगा ना जी? नहीं था विश्वास, तो फिर उधर गए क्यों थे? तो मालूम नहीं था पहले, मालूम नहीं था, आज तो मालूम चल गया। हाँ। अब अगर कोई बंदा आपको मिलता है लाऊंगा साथ में, लाऊंगे। अगर उसकी डेथ होगी तो? वो तो उसकी इच्छा है प्रभु की। फिर मेरे को फंसाओगे? नहीं, क्यों फंसाऊंगा। हाँ। आप किसी को लेके भी आना तो उसको बोलना कि अपनी पर्ची कटवा ले अपने शमशान घाट की। बंदा है। हाँ। वो हैदराबाद है, मैं ऐसा है पिताजी को ले आओ या खुद चलो मेरे साथ, अगर समझ में आए दवाई लाओ नहीं मत लाओ। सबसे पहले क्लियर कर देना जी, मैं आप वीडियो के माध्यम बता रहा, आप भी अगर पेशेंट भी कोई बंदा लेके भी आ रहा है बोलो मैं तो ठीक हुआ, मेरी वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन आप चल रहे हो तो भैया अपनी पर्ची कटवा के चलो। मतलब ये शमशान घाट की पर्ची क्यों? लेकिन आपके मन में, आपके परिवार में किसी भी तरह से ये शंका ना जाए कि भैया हमारा पेशेंट वहां जाने के बाद डेथ हुआ, हम तो ले ही ऐसे पेशेंट जा रहे हैं। आप आयुर्वेद के प्रति आ रहे तो भैया आपका विश्वास है, मैं आपको नहीं विश्वास में ले रहा हूँ। मैंने हर वीडियो के अंदर मेरी सब कड़ी बातें करी है और पेशेंट के साथ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपका कि आपको इससे मिलना है, इनके बारे में जानना है, इनकी पूरी रिपोर्ट को देखना है, तो भैया इनके घर तक आप पहुंच सकते हो। मैंने प्रॉपर एड्रेस दिया इनका, मकान का नंबर तक आप लोगों को मैंने दे रखा है। जो आना चाहते हैं और परिवार वाले मना कर रहे हैं तो कम से कम मेरी वीडियो उसके लिए एक सहारा बनेगी, और मैंने डाला इसलिए, और आप लोग इनके प्रमाण हो। इनका नंबर लेना चाहते हो भैया आप लोग ले सकते हो, वीडियो में नंबर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, वीडियो को देखने के बाद आपको इनके घर तक पहुंचना है, तो एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब नया जीवन की शुरुआत हो चुकी है। हाँ। तब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस समय इन्होंने बोला कि मृत्यु की तरफ थे तो जय श्री राम था दोनों में। अब जय श्री राम में आवाज जोर से, उस समय आवाज था जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी।